The name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that everyone is in good health. Well, students, I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you first of all, day and date. So, dear students, today is 11th of January 2021 and day is Monday let's move ahead to see the topic of today's lecture you can see here it's unit 10 beauty and the beast it's unit 10 beauty and the beast part 2 okay which we have already done um, some of the pages of uh, of this unit so you Can see the initial page of Beauty and the Beast, it's all about the merchant and and his grown up children. Okay, you know the names of the uh, of merchant children as well, which was uh, Joseph, Jack, April, June, and the Beauty. Beauty is the youngest one, and she is very polite and very affectionate to his father. And uh, if you know that um, when they return from the castle from the forest after finding some job, um, and then uh, his father actually brought a treasure a box of treasure. Okay. And and then he start to uh, to distribute some of the jewelry to uh, to his um, daughters like april and june and then he started to tell about the beast about the mythic of the beast okay so let's move the scene number 6 page number 106 merchant वेल आई कैन टेल यू ही इज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू बी होल्ड यानी कि मैं आपको ये बता सकता हूँ आई कैन टेल यू मैं आपको ये बता सकता हूँ ही इज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू बी होल्ड की उसकी यानि कि कोई ऐसी ऐसा देखने का तरीका नहीं था कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ठीक है ब्यूटी बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड फादर लेकिन फादर उसके पास एक सोने का दिल है यानी कि वो बहुत अच्छे दिल का है आई वॉन्ट फॉर नथिंग मुझे उस मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए उससे ही इज काइंड एंड जनरस वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है और अच्छा है एंड ही सेज ही लव्स मी डीपली वो मुझे कहता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा लव करता है ठीक है जून एंड ही गिव्स यू एवर मोर ब्यूटीफुल थिंग्स और जून कहती है कि और वो तुम्हें हमेशा आपको बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें देता रहा है मर्चेंट आई एम हैप्पी टू सी यू आर वेल मैं बहुत खुश हूँ आपको देख कि आप बिल्कुल सही हैं ब्यूटी ए, ब्यूटी को उसका उसके फादर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल, बिल्कुल बिल्कुल well वेल हो ठीक हो बट वाई हैव यू रिटर्न लेकिन आप वापस क्यों आई हो ठीक है ब्यूटी सम हाउ द बीस्ट न्यू डेट यू वर इल कहीं मुझे ऐसे लगा कि बीस्ट को पता है क्या आप बीमार हैं बाबा फ़ादर ही गेफ मी परमिशन उसने मुझे परमिशन दी टू कम होम कि मैं घर जाऊं बट आई मस्ट रिटर्न इन सेवन डेज बिकॉज आई प्रामिस्ड लेकिन मुझे सात दिन में वापस जाना है क्योंकि मैंने वादा किया है अप्रैल नो नो यू मस्ट स्टे हियर लॉन्गर विद अस आपको इधर हमारे साथ ज़्यादा देर के लिए रहना पड़ेगा लॉन्गर मीनिंग ज़्यादा देर के लिए जून यस इट वुड नॉट बी राइट टू लीव डियर फ़ादर जून कहती है कि इट वुड नॉट बी राइट टू लीव डियर फादर की ये अच्छी बात नहीं है कि तुम बाबा को छोड़ के जो लीव मैंने नहीं छोड़ना वेन ही इज सो इल जबकि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं यू कैन लुक आफ्टर हिम लुक आफ्टर के मीनिंग होता है देखभाल करना आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए या आप कर सकती हैं अप्रैल एंड वाई शुड यू बी सो हैप्पी वन वी आर नॉट अप्रैल कहती है एंड वाई शुड वाई वाई शुड यू बी सो हैप्पी और आपको इतना खुश क्यों होना चाहिए वैन वी आर नॉट जबकि हम लोग खुश नहीं हैं ठीक है ये कन्वर्सेशन थी अबाउट उसकी बाबा के बारे में बाबा की और दोनों बहनों की ठीक है नेक्स्ट सीन नंबर सिक्स इज डार्ट इन द मर्चेंट्स हाउस मर्चेंट के हाउस में टेन डेज आफ्टर ब्यूटीज अराइवल एट होम जबकि दस दिन गुजर गए ब्यूटी को आए हुए घर पे एवरीवन इज़ इन द रूम एक्सेप्ट फॉर द मर्चेंट हर कोई कमरे में सिर्फ मर्चेंट के अलावा यानी कि टेन डेज हो गए थे और तो उसको परमिशन कितने डेज की मिली थी फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही डिड शी टेक द परमिशन सो शी टुक द परमिशन टू स्टे इन द होम इन मर्चेंट होम फॉर ओनली फॉर सेवन डेज ठीक है बट इट्स बिन टेन डेज अब टेन डेज हो गए अप्रैल आह डेट वॉज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट ये बहुत मजे का ब्रेकफास्ट है जून येस इट वॉज हाँ जी हाँ बेशक आई एम सो ग्लैड मैं बहुत खुश हूँ इट टोल्ड ब्यूटी टू तो मेक स्क्रैम्बल एग क्या हमने ब्यूटी को कहा कि हमारे लिए स्क्रैम्बल एग बनाएं यानी कि जो मिक्स होता है ना एग मिक्सचर बनाए वो एग का ब्यूटी शल ए क्लियर यूर प्लेट्स अवे ना ऑफ ब्यूटी कहती है क्या मैं आपके आगे से प्लेट्स उठा लूँ अप्रैल यस ऑफ कोर्स जी बिल्कुल जून हैव यू टेकन फादर हिज ब्रेकफास्ट यस जून कहती है कि ब्यूटी को क्या आपने फादर um, uh, को ब्रेकफास्ट दे दिया द मर्चेंट एंटर शफलिंग स्लोली टूवर्ड्स द टेबल मर्चेंट जो उसके बाबा है वो एंटर होते हैं और वह ऐसे ऐसे टेबल के पास शफल कर रहे होते हैं ठीक है यानि कि हल्का हल्का काम काम के चल रहे हैं मर्चेंट डेट डैट वॉन्ट बी नेसेसरी ब्यूटी आई एम हेयर मर्चेंट कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे कमरे में औका खाना दे दें मैं इधर हूँ ठीक है ब्यूटी फादर वॉट आर यू डूइंग आउट ऑफ बेड आप बेड से बाहर क्या करें आई आर जस्ट गोइंग टू क्लियर अप अपर मैं सिर्फ यहाँ से सब सफाई करने लगी थी एंड ब्रिंग यू सम एग्स एंड कॉफ़ी और आपके लिए कुछ एग्स और कॉफ़ी लेकर आने लगी थी जून येस यू शुड हैव स्टेड इन बेड फ़ादर जून कहती है अपने बाबा को कि बाबा आपको वाकई में बेड पर रहना चाहिए We would have sent your breakfast to your room. हम आपका ब्रेकफास्ट भेजने वाले थे आपके कमरे में ठीक है नेक्स्ट पेज है लिटिल स्नेकी शेकी ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन थोड़ा सा काम रहा हूँ शेकी मीनिंग थोड़ा सा काम रहा हूँ आई हैड सम टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट मैंने थोड़ा अजीब वरीब खौफनाक ड्रीम देखा लास्ट नाइट ब्यूटी आई हैड अ ड्रीम टू फादर ब्यूटी कहती है फादर मुझे भी रात को बहुत ड्रीम आया जैक ड्रीम्स ड्रीम्स एवरी वन हैज ड्रीम्स जैक कहता है हर किसी को ख्वाब आया एवरी वन हैज ड्रीम ब्यूटी आई ड्रीम्ड अब डेट द बीस्ट वॉज वेरी इल एंड डाइंग मैंने ड्रीम देखा कि बीस्ट बहुत बीमार है और वो मरने वाला है ठीक है जून रेली really, के वाकई अप्रैल नो यूज बिलीविंग इन ड्रीम्स अप्रैल कहती है कि ड्रीम्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए नाव एंड देन आई हैव ड्रीम्स मुझे आज और तब ड्रीम्स आते रहते हैं बट माई ड्रीम्स नेवर कम ट्रू लेकिन मेरे ड्रीम्स कभी सच्चे नहीं होते कम ट्रू मीनिंग सच्चे होना ठीक है ब्यूटी फादर आई मस्ट कीप माई प्रोमिस मैं जरूर अपना वादा निभाऊंगी आई मस्ट रिटर्न टू द कैसल टू सी द बीस्ट मैं जरूर वापस जाऊंगी महल में बीस्ट को देखने ही इज डाइंग बिकॉज ऑफ इज लव फॉर मी वो मेरे लव के लिए मर रहा है ठीक है देर इज अ नॉक एट द डोर जॉर्ज गोज टू आंसर इट इसी दौरान में दरवाजे पे कोई आता है जॉर्ज आंसर देने आता है uh, खोलने जाता है डोर जॉर्ज गुडनेस मी इट इज अ इज़ अट इज़ अ बी इट इज़ यानी कि जॉर्ज कहता है गुडनेस मी ये तो कोई भी नहीं है व्हाट हु इज दैट कौन है द बीस्ट कंप्लीट नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पैसे ओके द बीस्ट कंप्लीटली कंसील्ड अंडर अ लार्ज क्लॉक एंट द रूम यानि कि जो बीसट है वो कंप्लीटली कंसील्ड हो चुके हैं अंडर अ लार्ज क्लॉक यानि कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है अंदर आता है कमरे में बीस्ट डोंट बी अफ्रेयर बिल्कुल ना डरो प्लीज कॉल मी द बीस्ट पीपल कॉल मी द बेस्ट लोग मुझे बीस्ट बुलाते हैं आई हैव कम टू सी ब्यूटी मैं सिर्फ इधर आए हूँ ब्यूटी को देखने ब्यूटी आई एम हेयर डियर बीस्ट ब्यूटी um, कहती है कि डियर बीस्ट मैं इधर हूँ आई एम सो हैप्पी टू सी यू एट लास्ट मैं बहुत खुश हूँ आपको इधर देखिए आई वॉज जस्ट गोइंग टू रिटर्न टू द कैसल बिकॉज आई ड्रीम्ड यू विल इल यू वर इल आई एम सो सॉरी आई जस्ट स्लिप स्लिप ऑफ़ माई टंग ये वर है ठीक है आई ड्रीम्ड यू वर इल यानी कि ब्यूटी कहती है मैं आपको देखने के लिए महल आने लगी थी क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि आप इल बीमार हो गए और बीस्ट आई एम इल डियर ब्यूटी बीच कहता हैं कि मैं वाकई बीमार हूँ डियर ब्यूटी आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ माई लव फॉर यू मैं तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत की वजह से मर रहा हूँ ब्यूटी दैन डाई नो लॉन्गर डियर बीस यानि कि मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं मरने दूंगी आई एग्री टू मैरी यू मैंने वादा किया था आपसे शादी करने के लिए द बीस ट्रोज ऑफ इस क्लॉक एंड विग अब क्लॉक क्या है जो उसने ऊपर सा पहना हुआ है और विक को उतार के फेंक देता है एंड अ लार्ज हेरी मास्क टू और एक बहुत बड़ा बालों से बढ़ा हुआ मास्क पिए एंड इस ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अर प्रिंट्स और वो एक प्रिंस की शक्ल में बदल जाता है द अदर स्टैंड अराउंड अ मेस्ट और जो दूसरे लोग बीस के इर्दिद खड़े होते हैं वो बिल्कुल अमेस्ट हो जाते हैं हैरान हो जाते हैं बीस्ट थैंक यू थैंक यू डियर ब्यूटी बहुत शुक्रिया आपका डियर ब्यूटी एज यू कैन सी योर लव फॉर मी हैज रिटर्न मी बैक इं टू प्रिंस जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी मोहम्मद ने मुझे वापस प्रिंस शहजादे की सूरत में में मोड़ दिया वी शैल बी मैरिड एट द कैसल हम महल में शादी करेंगे देन यू विल बिकम माय प्रिंसेस तब आप मेरी प्रिंसेस बन जाओगी मर्चेंट माय ब्लेसिंग्स ऑन बोथ ऑफ यू मर्चेंट कहता है मेरी जो रहमतें हैं मेरी जो ब्लेसिंग्स दुआएं हैं वो सब की सब तुम दोनों के साथ है ठीक है यू कैन सी हीयर द बीस्ट पिक्चर

work and the words mean uh, and the rest of the words question answer as well take care of yourself remember me in your prayers allah hafiz